जिससे हवन की धूमि सब पूरे वायुमंडल में फैलेगी, उससे वायुमंडल शुद्ध होगा। कोरोना के खात्मे को ग्रामीणों ने किया सामूहिक हवन, ट्रैक्टर ट्रॉली में रख गलियों में घुमाया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए अब ग्रामीण लोगों ने देवी देवताओं की पूजा पाठ के साथ साथ सामूहिक हवन करके वायुमंडल में फैले कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए पहल शुरू की है। जनपद मुरादाबाद में आज लोगों ने मंदिर परिसर में सामूहिक हवन करते हुए मंत्रों उच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा पाठ की और बड़े हवन कुंड ट्रैक्टर ट्रॉली में रख पूरे गांव में घुमाते हुए हवन में जड़ी बूटियों के साथ अन्य सामग्री भी डाली गई। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस जानलेवा बीमारी को खत्म करने के लिए गांव-गांव में सामूहिक हवन करके ही खत्म किया जा सकता है। हिंदू परिषद की ओर से आचार्य हरिओम शर्मा एवं आचार्य प्रमोद कुमार शर्मा कोरोना आपदा से निपटने के लिए देवी देवताओं का हवन प्रभात हवन फेरी पूरे गांव में घूमते हुए यहीं शिव मंदिर प्रांगण में समापन होगी। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के हवन में आहुति दें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। हम चाहते हैं कि इस समय कोरोना महामारी का बहुत चल रहा है, इससे निपटने के लिए सभी जगह गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले ज़्यादा से ज़्यादा हवन करें, जिससे कि हवन हमारे वायु प्रदूषण को शुद्ध करता है। इसीलिए हर गांव में, हर मोहल्ले में, शहर में हवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोरोना महामारी से छुटकारा पाएं। हम शिव मंदिर से शुरू होकर के पूरे गांव में गलियों में घूमते हुए चामुंडा स्थान पर पहुंचते हुए और घूमते हुए यहीं पर आकर के समापन करेंगे।